आवाज बढ़ाई। उनसे गुजारिश है कि नशिश का इंतज़ाम है, जहां भी आपको जगह मिल रही है बराए करम तशरीफ़ रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दला अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीया। واقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالكين الشفيع فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لدي صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الله صلى الله تعالى عليه وسلم نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک नबी के जिक्र से रूह को मिलती है ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है, और मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौकट पे डाल देता है और बना के कासी में नेमत बता दिया रब ने, बना के कासी में नेमत बता दिया रब ने। बड़ा बड़े को बड़ा कमाल देता है, बड़ा बड़े को बड़ा कमाल देता है, और परखना हो किसी को तो या अली कह दो, परखना हो किसी को तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है, ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है। मौजूद सामईन इकराम और मसनद रसूल पर जलवा फरोज उलमा अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। धरावी के अंदर ये आपके एरिए में तो पहला जलसा है, और अगर धरावी की बात करें तो शायद ये दूसरा जलसा है मेरा, लेकिन 90 फीट रोड पर ये पहला जलसा मुनक्किद हो रहा है। और शायद बहुत सारे लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे। मेरी गुफ्तगू को सुनने से पहले मैं चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। पहली है कि गुफ्तगू को बहुत इत्मीनान के साथ, तवज्जो के साथ सुनना है आपको। बयान बहुत जोशीला नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि मैं होश से, जोश से ज्यादा होश को तरजीह देता हूं। खिताब को होश में सुना जाए, होश में बयान किया जाए, जहां जरूरत हो वहां जोश भी आ जाएगा। आपको सुनना है, समझना है, और जो आप में ज़िल्म है बल्कि उनकी जिम्मेदारी है कि समझना ही नहीं है बल्कि समझाने की सलाहियत भी पैदा करना है। आज की जो मेरी मजलिस होंगी चंद चीजों पर हावी होंगी, फजाइल अहले बैत भी आएंगे इसमें,
और गुस्ताखाने अहले बैत के चेहरे भी आप देखेंगे, गुस्ताखाने अहले बैत के गुफ्तगू को भी सुनेंगे, उनके एतराजात को भी सुनेंगे और इंशाल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से क्या जवाबात है उसको भी आप समाअत फरमाएंगे। आइए कि मुहर्रमुल हराम शरीफ का मौका और महीना चल रहा है, जो मंसूब है हज़रत इमाम अली मकाम इमाम सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। ये वो महीना है कि जिसमें इमाम अली मकाम ने अपनी शहादत के जरिए इस्लाम को बका दी और एक ऐसी तारीख मुरत्तब की जो सदियों याद रखी जाएंगी, बल्कि सदियों ही नहीं कयामत तक इसका जिक्र होता रहेगा। आइए मकाम अहले बैत को देखिए कि ये कौन से लोग थे, क्या जमात थी, इनका मकाम क्या था, इनकी अजमत क्या थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कुरान अजीम का जब शान नुजूल होने लगा, कुरान की आयतें उतर रही है, तो उसमें पिछले अंबिया की भी तारीख को बयान किया गया, अंबिया इकराम पर जो इल्जामात थे कुरान ने उसकी भी सफाई दी, पिछली कौमों ने जो बातिल नजरियात बनाए थे अंबिया के ताल्लुक से उसका भी जवाब दिया गया। अंबिया की मानने वाली जो कौमें थी जो अपने आप को अहले किताब कहते थे, उनका एक इंतहाई बदतरीन अकीदा यह था कि वो अंबिया को अपने नबियों को खुदा का बेटा मानते थे। जैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों का अकीदा यह था कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, और इसी तरह ईसाइयों का अकीदा यह था कि ईसा मसीह जो है वो भी खुदा के बेटे हैं। ये दोनों मजहब के मानने वालों में आए दिन इख्तलाफात होते रहते थे। ईसाई कहते थे कि खुदा के बेटे ईसा है और जो ईसा के मानने वाले हैं वही जन्नत में जाएंगे, और यहूदी कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे वही जन्नत में जाएंगे, ईसाई जन्नत में जाने वाले नहीं। इख्तलाफ चलता रहा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, कुरान की आयतें उतरी, उसमें यह भी था, कहा गया कि ईसा खुदा के बेटे नहीं है, इन्हें अब्दुल्ला मैं अल्लाह का अब्दा हूं, अतानी अल किताब और अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, वजअलना नबिया और मुझे नबी बनाकर मबूस किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब ताल्लुक से कुरान ने बयान किया कि खुदा के बेटे नहीं, तो ईसाई इस बात को सुनकर बहुत नाराज हुए और बहुत भड़के। उस जमाने में ईसाइयों की जो सबसे बड़ी आबादी थी, जो शहर था जहां सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में ईसाई मुकीम थे, वो अरब का एक इलाका था जिसका नाम था नजरान। नजरान के ईसाइयों तक जब ये बात पहुंची तो नजरान में ईसाइयत का वो जोर था और वो आलम था कि नजरान के ईसाई पूरी दुनिया के ईसाइयत को लीड कर देते। वहां बड़े बड़े फजला ईसाइयों के मौजूद थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े बिशप मौजूद थे, बड़े बड़े पादरी मौजूद थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया कि मोहम्मद आप कैसे कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे नहीं है, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस मनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कबूल किया, कहा कि मदीने आओ और अगर इस पर गुफ्तगू करना चाहते हो तो गुफ्तगू की जाएंगी, बात की जाएंगी, बहस व मुबाहसा होगा, मनाजरे के लिए तैयार हो तो मनाजरा भी किया जाएगा। नजरान के पादरी आए, उन पादरियों का सबसे बड़ा सरदार सरगना अब्दुल मसीह, बड़ी तवील उम्र थी इस अब्दुल मसीह की, इस ईसाई की, हजारों किताबों को पढ़ने वाला, आसमानी किताबों का बहुत बड़ा आलिम,
बाइबल तो ऐसी थी गोया जो इसको हिफ्ज़ हो। पूरी दुनिया ईसाइयत अब्दुल मसीह पे फख्र करती थी। उम्र में भी ज्यादा था, इल्म में भी ज्यादा था। अब्दुल मसीह को कौम ने तैयार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाज़रा आप करेंगे। और यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मुनाज़रे की दावत देना और कबूल करना यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो जो आज कहते हैं कि बरेलवी लोग चैलेंजबाजी बहुत करते हैं, चैलेंजबाजी नहीं करते, रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा करते हैं। मगर अफसोस की तो बात यह है कि उस जमाने के ईसाई इनसे लाख दर्जे बेहतर है कि वो मुनाज़रे को तो कबूल कर लेते थे, ये मुनाज़रे से ही भागते हैं, बाकी सब बोलते हैं। इनकी जबान है जो बंद होती है वो मुनाज़रों में होती है। नमाज का इंतजाम नमाज के इसके जलसे के बाद।